के मानने वाले थे जिसका नाम इंजील है। ये
10 साल मदीने में रहे, ये लाने रसाल, और 13 साल
अपने 23 साल में पूरा नाजिल हुआ। तो देखिए ये हदीस की बात है, ये रवायत की बात है, कुरान में कहीं अल्लाह ने जिक्र नहीं किया कि मैंने 23 साल में कुरान नाजिल किया। आप कहेंगे कैसे? देखिए मौला अली ने फरमाया कुरान की एक आयत दूसरे आयत की खुद तफसीर कर देती है। कुरान में अल्लाह ने इतना इरशाद फरमाया कि शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, क्या कहना रमजान का महीना वो है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। लीजिए एक बात समझ में आ गई, 11 महीनों में कुरान नाजिल के बाद में कुरान कह रहा हूँ, बाद में उनके लिए कह रहा हूँ। तो ये कहते हैं नहीं साहब, हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानेंगे, हम अल्लाह की किताब के अलावा किसी को नहीं मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे अहले बैत को। मियां खाली अगर अल्लाह की किताब को मानोगे तो दो रकम नमाज भी कुरान से ना मिलेगी। कुरान में सुबह की दो रकात कहाँ लिखी? बेशक बेशक मुझे इससे इनकार नहीं है, अकीमु सलात का तो ज़कात नमाज पढ़ो ज़कात दो। तो हम सवाल कर सकते हैं आपसे कि भाई कुरान बताए कि कितनी नमाजें पढ़ना है? सुबह की दो रकात कहीं कुरान में नहीं लिखा, ज़ोहर की 4 रकात कहीं कुरान में नहीं, असर की 4 रकात कहीं कुरान में नहीं, मग़रिब की 3 रकात कहीं कुरान में नहीं, ईशा की 4 रकात कहीं कुरान में नहीं। परवरदिगार तू तो कुरान में कह रहा है बलानत बिन बलाया में खासियत होती है। पहली से 14 तक रोशनी
रोशनी बढ़ती जाती है बेशक, और 14 के बाद फिर रोशनी घटती जाती है, 19 को और कम हो गई, 20 को और, 21 को और, 23 को और, 24 को आखिर में चतुर्थवा लगते फिर नया चांद निकलता है। अच्छा ये भी देखिए कि सूरज कितने हैं, कुरान में मौजूद है, उन्होंने भी लिखा सूरज से मुराद मोहम्मद है और चांद से मुराद अली है, सूरज से मुराद मोहम्मद है और चांद से मुराद अली है। ये बात भी पागल हो रही कि सूरज एक होता है चांद बारह होते हैं, एक होता है और चांद बारह होते हैं। अब ये ना कहिएगा कि सहारे चार होते हैं, यही तक यही कुरान उसमें भी सोने पे सुहागा अंधेरे में अंधेरे में, और कुरान का कोई गवाह नहीं। अगर वो तो मुझे बताइएगा, 10 दिन बाद बता दीजिएगा, मैं जिद्दी नहीं मान लूंगा कि जिब्रील कुरान लाते थे, आयतें पढ़ के सुनाते थे तो कोई गवाह बना हो। अच्छा जो गवाह शोहर को सुकून पहुंचाना, ये पूरे तवज्जो रखिएगा।
इसलिए जो चीज जिस मकसद के लिए बनाई जाए अगर उसमें वो काम ना करे तो वो मुर्दा है। बेशक ये लाउड स्पीकर ये माइक किस लिए इन शो के लिए लगाया गया या ये हमारी बात को दूर तक पहुंचाए इसलिए जो है ये ट्यूबलाइट ये बल्ब क्यों जल रहे ताकि इससे रोशनी पैदा हो। तो अगर इसमें आवाज पहुंचाने के आवाज पहुंचाने का माता खत्म हो जाए इसमें लगा तो रहे लेकिन बल्ब में रोशनी ना हो तो ये सामने मौजूद होंगे मगर मुर्दा कह जाएंगे। इसलिए कि जिंदा और मुर्दा की पहचान यह है कि जो शायद इस मकसद के लिए बनाई जाए अगर उसमें वो काम दे रही है तो वो जिंदा है और काम ना दे तो भले जिंदा हो मुर्दा कह जाएंगे। अब लोग के समाज से कहते के बाद अली दुनिया से चले गए। अरे भाई अली को अल्लाह ने किस मकसद के लिए खत्म किया था? लोगों की मदद के लिए। मुझे किसी झूठी किताब में भी लिखा हो ये दिखा दीजिए कि पैगंबर ने जनाबे खदीजा की जिंदगी में कोई दूसरी शादी की बता दी कोई शादी जब तक जिंदा है और जब खदीजा दुनिया से चली गई तो पैगंबर ने कितनी शादी की 10, 11, 12 यहां तक रवायत है ना। मुझे जब तारीख की तारीख से बात उठा नहीं सकती। मैं कहूंगा सरकार आप देखिए जो लोग लिखते हैं गैर मुस्लिम कहते हैं नबी ने इतनी शादियां की जरा समझो अगर पैगंबर को शादियां ही करना मकसद होता क्या कहना वाह वाह तो मक्का में जवानी के आलम में शादी करते बेशक अच्छा भाई ये मतलब लोगों को बदल कर गया। पैगंबर की शादी 25 साल की एज में पहली करती है पैगंबर ने मक्के से हिजरत की तो 53 साल तक एक सौदा और अब 10 साल बचे जिंदगी के 63 साल की उम्र है। इस 10 साल में 12 बीवियां सरकार ये क्यों वहां शादी क्यों नहीं की? कुरान ने कहा है औरत को इसलिए खल्क किया कि शौहर को सुकून अदा करे। तो जब मुझे खदीजा से सुकून मिल रहा था तो मुझे दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं थी। Thank you.
तो खदीजा को तलाक करो, काबा को रोक के नजर दबाई तो अबू तालिब को चुना, अब ये देखिए दोनों मिशन है। यही तो सुन लीजिए, ये कौन है खदीजा मिशन को? अच्छा देखिए, दौलत अल्लाह ना करे किसी उल्टे सीधे के हाथ में आए, ऐसे के हाथ में दौलत आ जाती तो देखिए टेढ़ा हो जाता है, उसके बाद तो मिलन खत्म नहीं। हालांकि मौला अली ने नहरुल बलागा में कहा है कि दो चीजों पे भैया कभी भरोसा ना करना, नहरुल बलागा में, एक तंदुरुस्ती सेहत और एक दौलत। क्या कहना है, जवान सीना से बस कैसे चल रहा है अकड़ के, और थोड़े दिनों के बाद उसको दो आदमी पकड़ा रहे हैं, उनका क्या बात है अपनी मां है चल नहीं पा। तो मौला अली ने फरमाया देखो कि सेहत पर भरोसा नहीं करना, अगर सेहत आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कभी दौलत पे भरोसा न करना। इंसान वही है जो दौलत आने के बाद सही रहे, जो इंसान वही है जो दौलत आने के बाद सही रहे। तो दो चीजें हैं आपके सामने बताई, लेकिन याद रखिए वही ताकत बेहतर है जो अल्लाह के राह में काम आता है, और वही दौलत बेहतर है जो खुदा की तंजीम में काम आ जाए, जो खुदा के मिशन में काम आ जाए। अब कर लीजिए, मुझे जाहिल आदमी अनपढ़ आदमी मैं बयान कर रहा हूँ, एक साहब वलीदपुर से उठे, उन्होंने अखबार में निकलवा दिया कि जो मौलाना मजलिस पढ़ने आए थे वो जाहिल है, बूढ़ा साहब उनका क्या है? वो तो खुद मेंबर से कह रहे थे मैं जाहिल आदमी हूँ। मैंने कहा कि भाई मेरी जहालत मेरा इल्म, मदरसे के मेरे पास मार्कशीटें हैं, मैं सुल्तानुल मदारिस से सदर फाजिल हूँ, मैं बाइबिल से वाइज हूँ, ये हमारी डिग्रियां हैं। तो आप मेंबर में जो कह रहे थे कि मैं जाहिल हूँ, तो मैंने कहा ये उनके सारी है, और जो शेर कहेंगे उनका जवाब आप नहीं, बेशक बेशक आप कहेंगे कैसे भाई नबी के, अगर हमें तारीफ करने को दी जाए मजलिस में एक घंटा पढ़ेंगे तब सही नबी के तारीफ हो गए, ये भी कहते जाएंगे आखिर में कि अभी कुछ मजा नहीं आया कल की मजलिस में परसों की मजलिस में घंटों। लेकिन नीरानी साहब का करार देखिए, ये लोग वो शायर थे जो दो दो मिसरे में पूरी फजीलत समा देते, जैसे कोई बुंदे को समंदर में चार मिसरों में कैसी तारीफ की, दो मिसरों में नबी की तारीफ, दो मिसरों में अपनी तारीफ, क्या
ताकत का नाम क्या है? अबू तालिब। और एक ताकत का नाम खदीजा। बात दौलत की हो रही। मैंने कहा कुरान में पढ़िए कम, गौर फिक्र ज्यादा। आप दिखा दीजिए, मैं तो देखी। दो दौलतों का अल्लाह ने जिक्र किया, दो दौलत खुसूसी तौर से, दो दौलतों का जिक्र किया है, एक खदीजा की दौलत और एक कारून की दौलत। कारून की दौलत का जिक्र है। अभी अलग अलग बात, 40 खच्चरों पर, गधों पर उसके खजाने की कुंजियां चलती थी और लोग आगे पीछे सलाम दुआ। सिने मासूम ने फरमाया, जो दौलत की वजह से किसी की तादीम करता है तो ईमान उसके दिल से वहीं से रुखसत हो जाता है। तादीम करना हो तो किरदार की वजह से। तादीम असल किरदार। तो ये कारून का खजाना कुरान ने जिक्र किया है। और जब उसका खजाना बढ़ा तो मूसा पे इल्जाम लगाने लगा एक नबी पर। देखिए इसीलिए कहा जाता दौलत अच्छी है ना बोली, अगर इसका इस्तेमाल अच्छा हो तो इससे बेहतर क्या है भाई, इसी दौलत से जन्नत खरीदी भी जा सकती है। मैं दलील दे दूं, अगर अली का गुलाम, देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, जाना हो आप पहुंच जाइए ना, इनसे जाना हो वापस आ जाइएगा। अगर अली का गुलाम सहरा में रेत का घर बना के कह दे तो नहीं करते, पुराने है ना, फिर बढ़ा दिया।
और मेरे नबी को हरा दिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं है इन्हीं रोटियों में मैंने जन्नत दी है? वजदाहू में मैं सबरू जन्नत हमारा, और इन रोटियों की जन्नत, इन रोटियों की जगह यह है कि जन्नत भी तुम्हारे लिए लिबास है, जन्नत भी तुम्हारे लिए। तो इन रोटियों के जलाने दिया। अगर मोहम्मद भी शामिल होते, फिजा ना शामिल होते और मैं जन्नत देता, तब तो लोग कहते अच्छा ठीक है अली और फातिमा ने जन्नत ना दे, हसन और हुसैन जन्नत ना दे। दौलत हमेशा के लिए नहीं होती, ये पहिया है चक्र। आज इसके पास दौलत, कल उसके पास दौलत, परसों उसके पास दौलत, परसों फिर मैं कह रहा हूं अहले बैत वो हैं जिनके लिए अल्लाह ने जमानत ली है कि तुम्हारी दौलत इतनी होगी कि कायनात में तुमसे कोई दौलत तो नहीं बढ़ा ना होगा। ये देखिए हम लोग कहते थे इमाम हुसैन गरीब, तो गरीब माने क्या? गरीब हमारे यहाँ जो बोलते हैं मानता हूँ, अरबी में गरीब कहते हैं परदेसी। अगर मैं कहूँ कि साहब मैं गरीब हूँ तो ठीक है, मैं परदेसी हूँ। अजब परदेसी और मकामी की अलामत क्या है? देखिए हर चीज में हिकमत है। किसी ने छठे इमाम से पूछा मौला फरजंद रसूल ये बताइए कि ये अल्लाह ने कसर नमाज क्यों रखी? अगर ना रखता तो कहा कसर नमाज इसलिए रखी ताकि अल्लाह मोमिन को जिल्लत से बचा ले। ये कैसे? अब मैं मिसाल दूंगा, मैं किसी तरह आया और यहाँ रह गया, अब मेरे पास कोई रहने का ना ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, और मैं मस्जिद पहुंचा, मैं चाहता भी नहीं हूँ कोई मेरे इज्जत से खेले, और मैं भूखा भी हूँ, मैं प्यासा भी हूँ, मेरे पास तो रहने की जगह नहीं, और एक रात मुझे रुकना ही है। मैंने मस्जिद का इंतजाम किया और जब नमाज होने लगी मैं भी पढ़ने लगा। तो जब नमाज खत्म हो गई साहब ने पूछा आप क्या परदेशी हैं, कहाँ से हैं? मैंने कहा लेकिन हर जगह इमाम बाड़े मिलेंगे, हर जगह औकात
भाई महाराज औकात किसने बंद किए ये बहुत से लोग मस्जिद को इमाम वाले से अलग करते हैं, नमाज को मजलिस से अलग करते हैं, एक ही चीज है। कैसे जब इमाम वाला बनवाया तो मस्जिद भी बनवाई, और जब मस्जिद बनवाई तो आसमान हो रहा है, पांच मिसरे गए वहीं पर खड़े होकर मुहम्मद का कितने की तरफ रुख है, उनका चेहरा जो है वो मस्जिद की तरफ है और बाएं हाथ ये इमाम वाले की तरफ, तो उस वक्त वो कहते हैं मना जाए कि मस्जिद सवाल तो उसका अल्लाह से था, अली ने दिया क्यों?
दिया। कहा नादान भरी मस्जिद में बताना चाहता हूँ, मसला समझ लो। यही फकीर को समझाने फकीर आया था समझाने के लिए। औरत के लिए बहुत अच्छी
कहेंगे कैसे, दोनों बराबर, दोनों हर चीज में, खानदान में बराबर, अमल में बराबर, अकीदे में बराबर, जबान की सच्चाई में बराबर। आप कहेंगे कैसे, देखिए अगर अली का अली की जबान का वो अमल कि जिंदा लोग मुर्दा बना के लाए, पीछे वाले लोग कह रहे आज अली फंस गए, आज अली फंस गए तो जिंदा है ना, आगे मुर्दा का ये तो कफन बना के लाए है, मुर्दे की छवि बना के लाए, आज अली फंस गए। कहा क्या हुआ, आज मुर्दा की नमाज जनाजा पढ़वा रहे और आए जिंदा। तो अली तो याद रखिएगा, मौला अली के सामने गए, कहा या अली इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, तो उनका क्या वारिस कौन है, तो वारिस आगे पढ़िए। तो मैं कहूंगा या अली ये क्या है, आप वली है, वली हमारे शरीयत में उसी को कहते हैं जिसके हाथ में पूरी कायनात का कंट्रोल। बेशक तो आप हर एक के वली है, जिसके नमाज का नहीं, जो शरीयत का हुक्म है कि जब कोई किसी की नमाज जनाजा पढ़ाए तो वारिस से इजाजत ले, लेकिन इजाजत ना इजाजत। तो इसलिए मैं वारिस से, मैंने कहा या अली, मैंने अली के कदमों को पकड़ लिया, या अली बता दीजिए जब ये शर्त है कि जो नमाज जनाजा पढ़ाए जरूरी है कि उससे पहले वारिस से, देखिए आप क्या इजाजत दीजिए, वारिस से इजाजत ले। तो जब आपने पैगंबर की नमाज जनाजा पढ़ाई थी तो आपने किसी से इजाजत क्यों नहीं ली? अजीब बात का जवाब दिया अली ने, नादान तुझे इतना भी नहीं मालूम, अगर मेरे अलावा कोई और वारिस होता तो। नियत की, नियत तो यही की जाती है मस्जिद की नमाज जनाजा, मुर्दा की नमाज जनाजा, यही अली ने ये नियत की। अब उधर नियत करने के बाद नियत कौन कर रहा है, तो हाथ उठाए उन्हें मालूम है जिंदा, तो कौन नियत है, देखा अली फंस गए, अली फंस गए। मैं कहता हूं मुनाफिकों तुम्हें मालूम ही नहीं कि जो फंस जाए वो अली का, जो फंस जाए वो अली का, और अली ने नमाज फाइनल कर दी। और जो फाइनल हो गई तो हाथ के गिर गया, जिंदा लाए थे इमामत की निशानी पे बल पड़े जरूरी सही सच कह रहे हो, जिंदा लाए थे मगर आए नहीं, जिंदा लाए थे मगर आए नहीं। आइए कैसे, अब देख लो, अब जो देखा जो सांसें खत, तो कहा या अली के बाद में नमाज जनाजा पढ़ाई का मुर्दा हुआ, तो सुनो अगर मेरे नमाज जनाजा पढ़ाने पर यह जिंदा मुर्दा होता तो मैं अली कहा रहूंगा, नमाज होती है, कभी गिरफ्त करूंगा नमाज होती है, नमाज में दो चीजें, सुबह की नमाज
अगर ऐसा मसला ना होता तो जहरा मुबाहिले में आई, मुबाहिले में आई ना, तो कैसे आई? फिर कुरान तरतीब बता रहा है, अबनाना वबनाकुम मनशाना मनशातुम अनफुसना वनफुसकुम, बेटे आगे उसके पीछे फातिमा जहरा, उसके पीछे मौला अली, और चारों तरफ हिसार है। मसले तो रखिएगा जुमला के फातिमा जहरा मैदान में है और अल्लाह ने कहा झूठों पर लानत करना है ना, तो ये आ गए झूठों पर लानत करने, तो अल्लाह ने तो लानत पहले भेज दी। नहीं सुना कुरान में, मैं बता रहा हूँ कुरान पढ़ेंगे। यूनुस पैगंबर 20 साल तबलीग करते रहे शहर नीनवा में, दो लोग ईमान लाए, एक आबिद एक आलिम, और जब वो लोग राय रात बनाए तो आबिद ने कहा हुजूर बतवा करिए जल्दी, तो उन्होंने बतवा कर दी और उधर से अजाब चलने लगा और यूनुस अपनी कौम को छोड़कर चले गए इबादत गुजार को साथ लेकर, मगर आलिम उन्हीं के दरमियान रहा और डराया कि देखो तुमने जनाब पैगंबर इस्लाम जनाब पैगंबर को यूनुस पैगंबर को छुटाया है, अजाब आएगा और अजाब के पालन चलते आ रहे हैं और वो दुआओं में मशगूल है इबादत कर रहे। अल्लाह ने कहा जिब्रील अब ये जो अजाब भेज दिया ये वापस तो नहीं आएगा, इसे पहाड़ों पे डाल दो वाली के कुरान के दर्शे। मैंने कहा अल्लाह मियां पहाड़ों पे क्यों डरवा रहा है? कहा कभी किसी भी नबी का बेटा भागता है तो पहाड़ भी बना लेता है, उन्होंने तो सुना कर कहना हम नहीं मुकाबला करेंगे, हमारा इतना आत्मा नहीं है कि हम आपकी लानत खाएं, तो लानत तो वहां से चल चुकी, अब ये वापस नहीं गई। अल्लाह अब ये क्या होगा, ये लानत वापस नहीं गई, कहां मैदान में आई लानत को भेज दिया, अब ये लानत वापस नहीं आएगी, लानत ठहरी रहेगी। इसको हमारे उलमा ने उलमा आयतुल्ला उन्होंने कहा ये आशूरे से कम मसाइब नहीं, आशूरे से कम मसाइब नहीं। यही बात जब इमाम से पूछा गया कि फरदत रसूल इस सहाबी ने पूछा आपके जद्दा पर जलता हुआ दरवाजा कैसे गिराया, इमाम ये सुनकर बेचैन हो गए, कहा तूने मेरे दिल के जख्म को फिर Thank you.
शौहर अपनी सौदा को हुस्न दे सकता है, ये फातिमा ज़हरा ने अली से वसीयत क्यों की, इसलिए कि हुस्न देने वाली फिज़ा मौजूद थी, उम्मे ऐमन मौजूद थी, उम्मे फज़ल मौजूद थी, अस्मा बिन्त उमैस मौजूद थी और बनी हाशिम की बीवियां मौजूद थी। ये मौला अली से क्यों कहा, या अली आप ही मुझे हुस्न दीजिएगा, ये तो मजबूरी की बात है, जब कोई हुस्न देने वाला ना हो तो शौहर अपनी सौदा को हुस्न दे सकता है। मगर रात उस वक्त खराब जब अली हुस्न देते हुए अली सहारा की पछलियों तक पहुंचे, आवाज लगाई वाहो बता वाहो उसी बता वाहो बता तजाकुम रब्बुकुम आखिरी दीदार में मिलेगा, जब तक आप उसे बुलाएंगे नहीं, हाथ
محمد کے امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما ہم سب کو ان کے انصار میں شمار کرتا ہوں.